जो ट्रिपलिंग लद्दाख है ना, मतलब ट्रिपल खर्चा है ट्रिपल खर्चा है। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, we are ready. अभी बज रहे हैं 3:40, फ्लाइट बुक हो चुकी है ले के लिए। इस बार एयरलाइन चेंज किया हमने, एयर इंडिया। आज हम ट्रिप की शुरुआत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गया, देखो तो सही, ट्रिपलिंग लद्दाख ऑफिशियल, बट दिस इज नॉट ऑफिशियल टी शर्ट। ये चेंज हो जाएगा, हमारा ऑफिशियल टी शर्ट आ जाएगा 2-3 दिन में, बट फॉर टाइम बीइंग ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है, फिटिंग भी अच्छी आई है, फिटिंग भी अच्छी है, सब कुछ सही है। और ये हैशटैग यूज करो, आप यूज करो हैशटैग ट्रिपलिंग लद्दाख, बढ़िया। चला तुम्हें एक बात बता, रेडी हो गई तू? रेडी है, स्मार्ट लग रही है, सही है, आ जा नीचे फटाफट। पहुंच गए जी फिर से एक बार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया, अभी सिक्योरिटी चेक भी हो गया। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, आज मेरे साथ सेम वैसे ही हुआ। घर से निकला डर डर के, कैब पकड़ी डर डर के, एयरपोर्ट के अंदर घुसे डर डर के, चेक इन किया डर डर के, और सिक्योरिटी चेक, और फाइनली सारे पड़ाव कम्प्लीट हो चुके हैं, सिर्फ बोर्डिंग बचा है। और आज तक जिंदगी में, ज़्यादा जोर से बोल दिया, आज तक जिंदगी में मैंने इतना डरते डरते कभी कोई फ्लाइट नहीं पकड़ी होगी, आज रिकॉर्ड बन। मैडम जी, आप आपका क्या, आपके दिल में क्या चल रहा था जब आप घर से निकले? बस जल्दी पहुंचना था एयरपोर्ट, मतलब अगर अभी फ्लाइट मिस हो जाती ना तो लेटर भी यही हो जाता, ट्रिपलिंग लद्दाख यही हो जाता, दिल्ली में ही हो जाता, ट्रिपलिंग दिल्ली हो जाता इसका नाम पे। ऑलराइट, सो यहां से हम कुछ घंटों के लिए अलग हो रहे हैं, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। बाय 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 बाय, हमारा हेलमेट दे दो, अब हम डायरेक्ट मिलेंगे लेह में, तेरे से आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। वादियों में मजे ले लो और मेरा इंतजार करो, क्या स्टार लोग लेट आते हैं, थोड़ा इंतजार करो हमारा। हम न्यू, ठीक है ओके ओके, ठीक है, बोलने वाला था लेकिन नहीं बोलूंगा, अपना पी रहे हैं, जाने दे, चलो बाय बाय। थैंक यू, कुछ समय के लिए बैठे रहें। ठीक है, हम सबसे पहले सभी बिजनेस क्लास यात्रियों और यात्रियों को जो छोटे बच्चों और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं द्वार संख्या 36 के द्वारा बोर्डिंग के लिए आगे आए आमंत्रित करते हैं। ओके, अन्य सभी यात्रियों को से अनुरोध है कि वे कुछ समय के लिए बैठे रहें। ठीक है, बैठ जाएंगे। अपने खुद के बोर्डिंग कार्ड और खुले पासपोर्ट को निरीक्षण के लिए तैयार रखें। ठीक है, एयर इंडिया की ओर से हम आपकी सुखद उड़ान की कामना करते हैं। थैंक यू। अभी मैं मोबाइल में ऐसे जस्ट देख रहा था और अचानक से ना ऐसे नींद जैसी लग गई। अरे हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे मोबाइल में देखते देखते एक मिनट के लिए ना ऐसे आँख लग गई और मुझे लगा कि मैं काफ़ी टाइम के लिए सो गया। ये लोग क्या आयत चलाते रहते यार। वैसे मैं घबरा के उठा और मैं भाग के गया, देखा तो 15 मिनट लेट हो गई फ्लाइट, मतलब 6:30 की थी, अब 6:45, राहत की सांस आ गई। इतना डर डर के मैं जी रहा हूँ, इतना कभी नहीं डरा मैं, घबराहट होती है, सोना एफर्ट नहीं कर सकता, आई कांट स्लीप। ले पहुँच के नींद आएगी मेरे को, अभी नींद नहीं आई, नींद आ रही है लेकिन कंट्रोल कर रहा हूँ, है कि नहीं? मर रहा है, बहुत महंगा पड़ गया अपने को ले जाना। अच्छा, मैं ले पहुंच के ना बताता हूँ कि कितना महंगा पड़ा मुझे मुंबई टू ले आने को, कितना महंगा पड़ा, डबल द कॉस्ट। यस, खुशी बयान नहीं कर सकता मैं। फाइनली प्लेन में बैठ गए,
अब मैं सो सकता हूँ और मैं सोऊंगा, सच्ची सोऊंगा, पूरी रात भर नहीं सोया, अभी सोऊंगा मैं। दिल्ली टू लेह के फ्लाइट में कोई नहीं सोता है। मैं सो जाऊंगा, नज़ारे बहुत अच्छे हैं, फिर नहीं सोऊंगा। So finally we are in Leh. ऐसे तैसे कैसे हम पहुंच गए हैं Leh. कितने साल बाद? 2 साल बाद. ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पर फ्लाइट से आ रहा हूँ, अदरवाइज मैं बाइक से आया हूँ. और इस बार थोड़ा पंगा चल रहा है. पूरी स्टोरी बताएंगे क्योंकि अभी आंखों में नींद है. उठूंगा तो पूरी कहानी समझाऊंगा क्यों फ्लाइट से आया गया है और क्यों रोड से नहीं. गहरी कहानी है उसके पीछे, डेप्थ वाली है. हाँ, और मैं एयरपोर्ट पर शूट नहीं किया बिकॉज डिफेंस एयरपोर्ट है. जितने भी डिफेंस एयरपोर्ट होते हैं मैं वहाँ पर शूट नहीं करता हूँ. अगर आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने मुंबई वाले एयरपोर्ट में एकदम धमाल मचा है, यहाँ शूट कर रहे हैं, वहाँ शूट कर रहे हैं, दिल्ली वाले एयरपोर्ट में भी किया, लेकिन जितने भी डिफेंस एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर शूट नहीं करना चाहिए बिकॉज वो हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए होता है. नेशनल सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर व्लॉग, है कि नहीं? हमारा बचाव दिया आज इसने, दिया मेरे व्लॉग में पहली बार इसने दिया, हमारा हो जाए आज. इंडियन होने के नाते दिस इज आवर फर्ज टू कीप द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड एंड राइट. अब इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं बताओ. ट्रैवल व्लॉगर होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें शूट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, कहाँ पर शूट करने से प्रॉब्लम हो सकती है देश को और कहाँ पर शूट करने से हमें फायदा हो सकता है. अभी व्लॉग के लिए हम लोग अपने देश को खतरे में नहीं डाल सकते. राइट राइट. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. जय हिंद का मतलब वही होता है ना, जय भारत भी बोल दिया ना. ओके ओके ओके. हाथ दर्द कर रहे हैं क्योंकि मेरा कैमरा बहुत ज्यादा वजन वाला है. ओके, सो पूरी रात भर सोई नहीं है ना, अभी सोएंगे. लेकिन हमारे हम ट्रिपलिंग मतलब तीसरा बंदा. हाँ, सत्तु सुपारी. बस वो आधा घंटा लेट है. यो आधा घंटा लेट हमारा दोस्त यहाँ पर आराम फरमा रहा है. आपने ये देखा, ये इसे है, ये बोलते हैं ट्रिपलिंग लद्दाख. ट्रिपलिंग लद्दाख. और ट्रिपलिंग लद्दाख का मतलब आपको लद्दाख पहुंचना बहुत ही जरूरी है. तो फाइनली आप लद्दाख पहुंच गए. पहुंच गए. और मैं आपको बताता हूँ कि लद्दाख पहुंचने में जो लोगों का खर्चा आता है, आम लोगों का जो खर्चा आता है वो कितना आता है, लगभग 7,000-8,000, ज्यादा मतलब 9,000. लेकिन हमें मुंबई से ले पहुंचने में कितना खर्चा आया अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ. अभी बताता हूँ कैलकुलेट करके कितना खर्चा. मतलब ये जो ट्रिपलिंग लद्दाख है ना, मतलब ट्रिपल खर्चा है. ट्रिपल खर्चा है, इतना खर्चा. ट्रिपलिंग लद्दाख में 3 लोगों का ट्रिपल खर्चा भी है. खर्चा कैलकुलेट करते हैं तो मजा आएगा. आज खर्चा दिखाते हैं. ओए, मुंबई टू दिल्ली आने का प्लान 10 तारीख का था लेकिन हम लोगों ने उसको पोस्टपोन करवाया जस्ट बिकॉज ऑफ माय टाइगर. उस टाइम पे जो टिकट पे खर्चा आया था 9,730. तो कुल मिला के खर्चा हुआ है 88,730 और यहाँ का छुटका बुड़का टैक्सी और ऐसे जोड़ बोड़ के समझ लो 90,000 डन कर देते हैं. ठीक है, 90,000 रुपीज लगे हमें मुंबई टू दिल्ली टू ले पहुँचने में. लेकिन हमारा जो मेन मकसद था वो ले आना था दिल्ली में. सिर्फ वो मेरा बाइक टाइगर नहीं, ये रिवील नहीं कर सकता. तो मुंबई टू ले आने का खर्चा हम तीनों का 90,000 रुपीज. ठोको वाली इसी बात पे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. फिर अब क्या है कि हमें आ रही नींद, हम सोए नहीं है 2 रात से. ठीक से एक रात सोए नहीं थे, फ्लाइट छूट गई. दूसरी रात सोए नहीं है, फ्लाइट पकड़ ली है. अब हम सोएंगे, उसके बाद समझेंगे. मिलते हैं कुछ समय बाद, जुलाई के मध्य में लद्दाख से जुले. Alright,
Ladies and gentlemen, boys and girls, मस्त पिकी सोने के बाद अच्छा खासा नींद, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ नींद, अच्छा खासा नींद लेने के बाद फीलिंग फ्रेश, अच्छा एनर्जेटिक, फीलिंग ऑसम. और अगर आप बात भी करते हो तो वैसे सांस फूल जाती है. यहाँ पर हम लोग थे मुंबई में जीरो एल्टीट्यूड, फिर हम लोग दिल्ली में आए 700 फीट. 700 फीट है दिल्ली, कितना है पता, कितना गर्मी बहुत थी. गर्मी बहुत थी दिल्ली, लगभग 700 फीट अबव द सी लेवल. और ले है 11,500 फीट, और वो भी 700 to 11,500 फीट. हम लोगों ने 1.5 घंटे में आ गए. तो यहाँ पर आने के बाद कुछ चीजें हैं जो करनी होती है. थोड़ा ज्ञान देना चाहूंगा, ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहूंगा, जो कि अगर कभी आप आने का सोच रहे हो या फिर आने वाले हो या फिर नहीं भी आने वाले हो, ज्ञान फ्री में मिल रहा है तो ले लो. बराबर, ज्ञान नंबर वन, ये है डायमॉक्स. ले आने के 3 दिन पहले इसको शुरू कर दो सुबह शाम. ये आपके बॉडी में पानी का लेवल बनाए रखेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस होता है. ज्ञान नंबर दो, यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी बॉडी अक्लमेटाइज करनी होती है, जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो फास्ट मत करो. मतलब ऐसे कोई काम मत करो जिससे आप हाँफने लगो, आपको पसीना है. तो जो भी एक्टिविटी करोगे, अगर चलोगे तो स्लो स्लो चलो, अगर कोई काम कर रहे हो तो स्लो स्लो करो. और ऐसे झुका उका मत, क्योंकि वो सर पे सन करके पकड़ेगा और झन करके आपकी लाइफ झना जाएगी. ज्ञान नंबर तीन, पानी रेगुलर पीते रहो, जितना पानी पी सके पीते रहो. दिन में कम से कम आपको 6 से 7 लीटर पानी पीना है. पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रहेगा. ज्ञान नंबर चार, ज्ञान नंबर चार ये है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर तो कर ही दो, क्योंकि बहुत मेहनत करके बना रहे हैं. एक तो क्लाइमेटाइज होने में 1 दिन लग रहा है, सोने तो यार. ले का जो वेदर है वो गर्म नहीं है उतना जितना मैं सोच रहा था. मीठी मीठी सी ठंड है और मीठी मीठी सी धूप है. मीठी ठंड मतलब जैसे चाय में चीनी डालते तो ऐसा मीठा हो जाता ना, जरूरत वाला, मतलब वैसा मीठी मीठी, मतलब अच्छा लगता है बॉडी को मीठी ठंड. जैसे तो रजाई में लिटिल मजा ले रहा है. दिस इज कॉल्ड मीठी मीठी ठंड और ऐसा धूप जिसमें मीठा मीठा स्वाद है, अच्छा लगता है धूप में. जैसे अब तो धूप में तो अच्छा लगेगा. तो दिस इज कॉल्ड मीठा मीठा धूप. लुक नहीं दे पाया तो बंद करके बाल वाला. हाँ. कभी कभी जिंदगी में पोपट होता है, तो इट डजंट मीन दैट वी आर पोपट. तो आज के दिन हम करेंगे हमारी बॉडी को अक्लमेटाइज. देखो जब भी मैं अक्लमेटाइज बोलता हूँ तो स्लो हो जाता है, बिकॉज जब मैं फास्ट फास्ट बोलूँगा अक्लमेटाइज तो वो आता नहीं है, समझ रहे हो. कल कुछ है जो आपको कल के वीडियो में पता चलेगा. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू मेक यू पार्ट ऑफ डे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पार्टिकल खुदा हाफिज. लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम. बो. बाल खराब हो गया यार अपने. मेरे टिकटॉक वाले जैसे बाल हो गए अपने. वो होते ना टिकटॉक वाले बाल खड़े खड़े एकदम वैसा बाल हो गया. कैप पहन लेता हूँ.